दोस्तों मार्च 2020 में स्टॉक मार्केट में जो फॉल आया उसने नए इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव किया। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में लॉकडाउन होने के बाद अब तक 2.5 करोड़ डीमैट अकाउंट नए खुल चुके हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, यानी कि 2.5 करोड़ नए लोग स्टॉक मार्केट में एंटर कर चुके हैं। इसीलिए तो सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CDSL रिकॉर्ड 4 करोड़ से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट वाली कंपनी बन चुकी है। इससे हमें ये समझ आता है कि जितनी भी डिपोजिटरी कंपनीज हैं या फिर एक्सचेंजेस हैं या फिर ट्रेडिंग अकाउंट वाली कंपनीज हैं, हमें इन स्टॉक्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब से ये न्यूज़ आई है दोस्तों, CDSL का शेयर अपने पिछले प्राइस से 15 से 20% तक बढ़ चुका है। इनफैक्ट आज ही इस कंपनी के शेयर प्राइस में 15% तक की तेजी देखी गई। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि क्या ये तेजी अभी भी बरकरार रहेगी या अब मुनाफा बांधने का टाइम आ गया है, और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, रेवेन्यू के सोर्सेज इसके क्या क्या हैं, फ्यूचर आउटलुक इस कंपनी का कैसा है, और इस स्पेस की कुछ अलग कंपनीज भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जिनको आप वॉच कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों। CDSL के बिजनेस मॉडल के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो ये एक डिपॉजिटरी कंपनी है जो सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती है। अब ये सिक्योरिटीज क्या होती हैं, जैसे कि शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए। 1996 से पहले क्या होता था दोस्तों कि हमारे पास में कोई डिपॉजिटरी का ऑप्शन नहीं था, सभी सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म में रखा जाता था। 1996 में पहली बार NSDL की स्थापना हुई डिपॉजिटरी के तौर पर। उसके ठीक 3 साल बाद CDSL यानी कि जिस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी स्थापना हुई। इंडिया एक ऐसा कंट्री है दोस्तों जहां पे 2 डिपॉजिटरीज हैं। इवन UK हो गया, USA हो गया, ऐसे डेवलप कंट्रीज में भी सिंगल डिपॉजिटरी कंपनीज हैं। CDSL एशिया पैसिफिक की एकमात्र लिस्टेड डिपॉजिटरी कंपनी है, और इसके अलावा CDSL एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को भी ऑपरेट करती है। इसके रेवेन्यू के सोर्सेज की अगर बात करें तो 5 इसके मेजर रेवेन्यू सोर्सेज है जहां से इस कंपनी को रेवेन्यू आता है। पहला जो इसका रेवेन्यू आता है, एनुअल इश्यूअर चार्जेस के तौर पे इसका रेवेन्यू आता है। अब ये क्या होता है, जितनी भी कंपनीज एक्सचेंज पे लिस्टेड है उनको किसी ना किसी तरीके का कॉर्पोरेट एक्शन कभी ना कभी करना पड़ता है, जैसे बोनस हो गया, स्प्लिट हो गया, डिविडेंड हो गया, तो उसके लिए डिपॉजिटरी की जरूरत होती है। तो उसके लिए कुछ फिक्स अमाउंट एनुअली ये कंपनी से चार्ज करती है। और दूसरा जो इसका रेवेन्यू टाइप है वो है ट्रांजैक्शन चार्जेस, यानी कि जितने भी लोग इंडिविजुअली डीमैट अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए पर ट्रांजैक्शन कुछ चार्जेस होते हैं, उसे ट्रांजैक्शन चार्जेस बोला जाता है, जो इसका दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और तीसरा जो इसका रेवेन्यू सोर्स है वो है IPO एंड कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस। जो भी कंपनी IPOs लाती है, कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कि शेयर होल्डिंग में चेंजेस हो गया या फिर FPO हो गया, OFS हो गया, इस तरीके के कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी लाती है तो उसके लिए ये चार्जेस डिपॉजिटरीज को पे करना होता है। इसका चौथा जो रेवेन्यू का सोर्स है दोस्तों वो है CDSL सब्सिडरीज, यानी कि CDSL की जो सब्सिडरी कंपनीज है, 3 कंपनीज हैं ये, तो इनसे जो भी रेवेन्यू आता है ये इसका चौथा सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया। इसकी पहली जो सब्सिडरी है CDSL वेंचर्स लिमिटेड, ये KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी है, ठीक है। इसका जो KYC के मामले में है ना 60% मार्केट शेयर है इंडिया में, और ये डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसके साथ ही ये एज अ रजिस्टर और ट्रांसफर एजेंट के तौर पे भी काम करती है। और इसकी दूसरी जो सब्सिडरी है CDSL इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, इसका काम है जो इंश्योरेंस का डेटा है, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज का डेटा होता है, जैसे पहले क्या होता था कागज वगैरह जो इंश्योरेंस के पेपर वगैरह होते थे उस तरीके से रहता है, अभी भी है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है वो ये काम करती है। और इसकी तीसरी जो सब्सिडरी है CDSL कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड, इस कंपनी का काम क्या है, जो कमोडिटीज वगैरह होती हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना। और इन सब के अलावा इसके अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी हैं, जैसे कि ईमेल के थ्रू जो स्टेटमेंट ये भेजती है उसका चार्जेस, या यूज़र चार्जेस, या फिर अकाउंट चार्जेस, या सेटलमेंट चार्जेस, या फिर ई वोटर चार्जेस, तो ये इसके जो है अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हैं। और 35% जो इसका रेवेन्यू आता है वो साइक्लिकल है, यानी कि जैसे IPOs वगैरह से रेवेन्यू आता है या FPOs वगैरह से रेवेन्यू आता है, ये साइक्लिकल है। और 65% जो रेवेन्यू इसका आता है वो नॉन साइक्लिकल है, यानी कि एवरग्रीन है वो। और इस कंपनी के मैनेजमेंट की अगर बात करें तो श्री बालकृष्ण वी चौबल जो हैं इस कंपनी के चेयरपर्सन और पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर हैं, श्री नेहल वोरा इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं,
और प्रोफेसर बिमल कुमार पटेल हो गया, श्रीमती प्रीति शरण हो गया, श्री सिद्धार्थ प्रधान हो गया और प्रोफेसर उमेश बल्लूर हो गया, ये सब इस कंपनी के पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर हैं। और श्री नारायण मेहता और श्री मसिल जया मोहन इस कंपनी के शेयर होल्डर नॉमिनी डायरेक्टर हैं। ये तो बात हुई दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल की। अब थोड़ा सा इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस को भी देख लेते हैं। CDSL कंपनी का नाम है, 1254 इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और यही इसका 52 वीक हाई भी है। 52 वीक लो इसका 283 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 11321 करोड़ की कंपनी है, यानी कि एक मिड कैप में ये एंटर कर चुकी है। एक साल पहले एक बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी दोस्तों, काफ़ी मतलब अच्छी ग्रोथ इसने पिछले साल में दी है। बुक वैल्यू इसका 83.9 है, डिविडेंड यील्ड इसका आधे के बराबर है और स्टॉक का पी 56.5 है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 26.1 के पी पे इंडस्ट्री है, यानी कि इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा महंगा स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है, बट फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं, ग्रोथ के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। ROE इसका 25% है जो कि अच्छा खासा है। ROC 32.4% है। फेस वैल्यू 10 है। करंट रेशियो इसका अच्छा खासा है 5.06। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, ये भी शानदार है। डेट कंपनी के पास में 0 है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा इस कंपनी में कम है, 20% की सिर्फ इसमें प्रमोटर होल्डिंग है और चेंजेस वगैरह कुछ भी नहीं है प्रमोटर होल्डिंग में। कैश कंपनी के पास में 208 करोड़ है। एंटरप्राइज वैल्यू 11113 करोड़ कंपनी की है और सारे के सारे जो स्टॉक हैं प्रमोटर के वो अनप्लेज है, यानी कि प्लेज वगैरह कुछ भी नहीं है। और मेजोरिटी शेयर होल्डर इस कंपनी में नॉन इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं 38% उनका इसमें स्टेक है। FIIs का 15.2% स्टेक है। इंश्योरेंस कंपनीज का 7.9% स्टेक है और DIIs का अदर जो है उनका 12.18% स्टेक है। और प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की अगर बात करें तो BSE लिमिटेड का इसमें टोटल स्टेक जो है प्रमोटर का BSE लिमिटेड के नाम पर ही है 20%। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का इसमें जो है 7.1% का स्टेक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि जो HNIs वगैरह हैं उनका 28.51% का इस कंपनी में स्टेक है। अब इसके पिछले 5 क्वार्टर्स का रेवेन्यू का अगर ग्रोथ देखा जाए दोस्तों तो कंटिन्यूअसली इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले 5 क्वार्टर्स में बढ़ा ही है। बीच में सितंबर 2020 में ज्यादा रेवेन्यू हो गया था, इसका रीजन था दोस्तों सितंबर 2020 में IPOs काफी ज्यादा आए थे। हैप्पीएस्ट माइंड उसी टाइम पर आया था, रूट मोबाइल उसी टाइम पर आया था, कैम्स का IPO उसी टाइम पर आया था, लिखिता इंफ्रा का उसी टाइम पर आया था और एंजल ब्रोकिंग का उसी टाइम पर आया था। तो इस टाइम पर जो है ये क्या होता है कि ये साइक्लिकल एक रेवेन्यू का सोर्स रहता है इसका, जैसा कि हमने डिस्कस किया पहले। तो उस टाइम पर रेवेन्यू इसका ज्यादा हो गया था। ये ऐसा नहीं है कि डी ग्रोथ नहीं हुई है, ये मतलब एक ज्यादा इसका एडवांटेज, एक साइक्लिकल एडवांटेज उस टाइम पे इसको मिल गया था, इसलिए ज्यादा इसका रेवेन्यू हो गया था। यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर देखा जाए वैसे तो रेवेन्यू बढ़ा है और प्रॉफिट भी इसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ ही रहा है। और पिछले 5 साल के रेवेन्यू की ग्रोथ को अगर इसका देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी तो अच्छा खासा ग्रो हुआ है दोस्तों। 2017 में 146 करोड़ का रेवेन्यू था, 2018 में 188 करोड़, 2019 में 196 करोड़, 2020 में 225 करोड़, 2021 में 344 करोड़। यानी कि कंटिन्यू बढ़ रहा है दोस्तों, मतलब ग्रोथ इसकी और स्पीड भी काफी अच्छी है दोस्तों। और अगर प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 86 करोड़ का जो प्रॉफिट था 2017 में था, 2018 में 103 करोड़, 2019 में 114 करोड़, 2020 में 106 करोड़ और 2021 में 200 करोड़। यानी प्रॉफिट में भी ठीक ठाक अच्छा खासा इसका ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और इसके पिछले 10 साल के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात की जाए दोस्तों तो 15% सालाना ये कंपनी ग्रो हुई है, अपने पिछले साल के मुकाबले 15% हर साल बढ़ी है। और 5 ईयर्स की अगर इसकी कंपाउंडेड ग्रोथ देखा जाए तो 24%, ये उससे भी और अच्छा हो गया। और 3 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 25% के हिसाब से बढ़ी है, ये थोड़ा और अच्छा हो गया उससे। और ट्रेलिंग 12 मंथ में तो इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है, यानी कि 89% ये कंपनी ग्रो हुई है। अभी आने वाले टाइम में और ज़्यादा ग्रो होगी, 2-3 सालों में तो मतलब ये मान लो कि और इससे अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रहेगी। वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो इसका जो डीपी अकाउंट थे ना 2018-19 के आसपास में जो इसका डेटा था 1-1.25 करोड़ के आसपास में थे, वो इसका 2019 में 2 करोड़ के आसपास हुआ, अभी सीधा सीधा 4 करोड़ हो गया। तो ये मान लीजिए कि मतलब काफी ज्यादा इसमें डेवलपमेंट होता रहेगा आने वाले कुछ सालों में। अभी क्या डिपॉजिट जो डीमैट अकाउंट ओपन करवाने वाले हैं वो बंद मतलब कम तो होने वाले नहीं है, बढ़ ही रहे हैं वो तादाद। और जो पहले से इसका रेवेन्यू आ रहा है वो तो कंटिन्यू आता ही आ रहा है, जो नया रेवेन्यू इसका अलग से आएगा वो आएगा और बढ़ेगा उस चीज़ को, उस चीज़ में और ज़्यादा मतलब ये अच्छा रहेगा। और स्टॉक के प्राइस की अगर बात करें तो 3 ईयर्स में इसने 59% के CAGR से ग्रोथ दी है, 1 ईयर में 277%। यानी कि स्टॉक का प्राइस बड़ा है, अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है पास्ट में भी और इन फ्यूचर भी ये अच्छा रिटर्न देगा ऐसा हमें लगता है।
और इसके बैलेंस शीट की अगर बात करें तो शेयर कैपिटल इसका हमेशा वही सेम ही रहा है, जो कि ठीक बात है। रिजर्व्स इसके जो है कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। और बोरोइंग्स वगैरह ये जीरो ही इसका है, तो ये तो और अच्छी बात है। अब इस स्टॉक के पास्ट के परफॉर्मेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो वन डे में इसने 14.72% के रिटर्न दिए हैं एडजस्टेड, 5 डेज में इसने 21% के रिटर्न दिए, 1 मंथ में 26%, 6 मंथ में 135%, ईयर टू डेट में 133%, 1 ईयर में 317% आउटस्टैंडिंग, और 5 ईयर्स में 375%, और यही इसके मैक्सिमम रिटर्न्स भी हैं दोस्तों। और इसका जो लिस्टिंग हुई थी लगभग 2017 के आसपास में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, तब से कंसिस्टेंटली कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब इस स्टॉक में हमें रेड फ्लैग का असली मतलब पता लगेगा दोस्तों। देखो, रेप्यूटेड कंपनी है CDSL, ठीक है, इंडिया की मतलब एक जानी मानी कंपनीज में से एक आती है, ये कंपनी भी रेड फ्लैग में है। इसका मतलब क्या है कि रेड फ्लैग का कंपनी की परफॉर्मेंस से, कंपनी के मैनेजमेंट से कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं होता, हो सकता है, हो सकता है नहीं है, ठीक है। ये रेड फ्लैग इस कंपनी के अंदर में है, क्योंकि अचानक से कभी स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है तो रेड फ्लैग में कंपनी आ जाती है, सेबी की निगरानी में कंपनी आ जाती है, तो बाद में फिर ये अपने आप हट भी जाता है। जैसा मैं कल परसों के वीडियो में आपको बता रहा था, एक कंपनी के ऊपर रेड फ्लैग था, उसे वो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा था, तो उस टाइम पे ये बात आई थी कि रेड फ्लैग वगैरह की, कि मतलब अच्छी कंपनीज पे भी रेड फ्लैग होता है, तो ये इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल आज मैं आपको दे रहा हूँ। तो एंट्री पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है स्टॉक, तो एंट्री पॉइंट इसमें ना बता रहा है। डिविडेंड कंपनी देती है, FD से अच्छे इसने रिटर्न दिए हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपनी ऊपर है, यानी कि अगर इसके पैरामीटर्स पे देखें तो 3 पैरामीटर्स पे ये नो बाई है और 2 पैरामीटर्स पे बाई है। और अगर एनालिस्ट की माने तो 60% एनालिस्ट बोलते हैं कि इस स्टॉक को बाई करो, 67%, और 33% एनालिस्ट ये भी बोलते हैं कि स्टॉक को बाई मत करो। अब दोस्तों, इसको सभी पैरामीटर्स पर हमने देख लिया, अब बात आती है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आपके पास में ये कंपनी के स्टॉक्स पड़े हुए हैं तो आप बहुत लकी पर्सन हो, इनको आप सेल करने की गलती मत करना, वरना आप अनलकी पर्सन भी हो सकते हो, है ना। ये कंपनी के स्टॉक ऐसे हैं दोस्तों कि इसको लाइफ टाइम के लिए अपने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखे रहो, तो ये कंसिस्टेंटली आपको डिविडेंड के रिटर्न भी देते रहते हैं और स्टॉक का एप्रिसिएशन अभी, मतलब इसमें डबल बेनिफिट है, पता आपको, इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है और डिविडेंड भी कंपनी देती रहती है, तो डबल डबल इसमें अपॉर्चुनिटी है। और आने वाले टाइम के लिए ऐसी कंपनीज काफ़ी अच्छी रहेंगी, ये उसी स्पीड से बढ़ेंगी जिस तरीके से जो पुरानी कंपनीज बढ़ती आती हैं, तो वो उसी स्पीड से बढ़ेंगी। ग्रोथ के लिए अभी मान लो 10 साल 20 साल तक इन कंपनीज को कुछ नहीं होने वाला, 10 साल 20 साल तक तो मतलब आराम से आपको ये अच्छे खासे रिटर्न देंगी। इनको तो मतलब ऐसा है कि पेंशन की तरह अपने पोर्टफोलियो में सजा के रखो। अब बात आती है उन लोगों की कि जिनको इसमें फ्रेश बाइंग करनी है। देखो दोस्तों, हमने इसके रेड फ्लैग भी देखे और इसके और भी नेगेटिव्स भी देखे, इसके पॉजिटिव्स भी हमने देखे, लेकिन हम किस बेस पे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट के क्राइटेरिया में कंपनी फिट है, उसका पिछला परफॉर्मेंस कैसा है, या उसका जो कंपनी की हिस्ट्री है वो कैसी है। अरे यार, रेपुटेड कंपनी है, कोई ऐसा कोई इशू वाली कोई बात ही नहीं है, परफॉर्मेंस भी कंपनी ने अच्छी दी है। ग्रोथ आउटलुक कैसी है, ग्रोथ आउटलुक भी काफ़ी अच्छा है, उस हिसाब से भी कंपनी फिट है। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो थोड़ा सा एक माइनस इसमें पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि हम इसमें दो तरीके से निवेश कर सकते हैं, अगर अच्छा सारे क्राइटेरिया में फिट बैठती तो हम 50% तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते, लेकिन अगर सारे क्राइटेरिया पे फिट नहीं बैठ रही है, कुछ कम इसकी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम 20% से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अगर एक साथ में इतने बढ़ने के बाद में हम डालेंगे तो वो भी गलत है, वो भी मतलब अच्छा नहीं है वो, मतलब एक तरीके से अगर एक साथ डाल दिया तो रिस्क उतना ही ज़्यादा रहता है और मतलब बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा रिटर्न वगैरह के लिए, है ना। तो अभी क्या कर सकते हैं, हम 20% अमाउंट दिस लेवल पे भी हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नीचे आता है तो और ऐड करेंगे, और अगर नहीं आता है तो फिर धीरे धीरे आगे उसी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में करते जाएंगे। इस तरीके से हम इसमें प्ले कर सकते हैं, और रखना है इसको ऐसे लेना है कि लॉन्ग टर्म के लिए, और ये मान लो कि अगर हो सके तो इसको लाइफ टाइम रखने के लिए ही आप लो इस तरीके से। ये स्टॉक काफ़ी मतलब एक तरीके से अभी फ्यूचर की जो संभावना है ना, बहुत अच्छी है इसमें, क्योंकि क्या है, डीमेट अकाउंट जो इंडिया के अंदर में अभी स्टॉक मार्केट को लेके मतलब क्रेज हो रहा है यूथ के अंदर में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं अभी इस साल में, तो मतलब ये मान लो कि सीधा डबल हो गया। देखो ना, अब धीरे धीरे इसी कंपाउंडेड हिसाब से अगर ग्रोथ होती है स्टॉक मार्केट में एंट्री करने वाले लोगों की भी, तो सोचो कि इसका क्या बेनिफिट रहेगा, इसका कितना मतलब ये बेनिफिशियरी हो सकता है इस चीज़ का। इसमें इंडिया के अंदर में
मोनोपोली एक तरीके से बिजनेस है, दो ही प्लेयर्स हैं CDSL और NSDL, रेवेन्यू इन्हीं का आने वाला है और कोई तीसरा प्लेयर इसमें आ नहीं सकता, एंट्री बैरियर बहुत तगड़ा है, तो फ्यूचर में कोई बिजनेस को लेकर रिस्क भी ऐसा कुछ है नहीं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक कीजिए दोस्तों, इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो कंपनी की रिसर्च करने में आपको 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है वो टाइम की आपकी बचत होगी, वो वैल्यू आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही इन वीडियोस को अपने फ्री टाइम में भी आप देख सकते हैं, जैसे कहीं ट्रेवल कर रहे हैं उस टाइम पे इन वीडियोस को देख सकते हैं, किसी का वेट कर रहे हैं उस टाइम पे इन वीडियोस को देख सकते हैं, आपके फ्री टाइम का भी अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम का खुद से भी ज्यादा ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।